कस्बा का जो शिष्टमंडल है वो सीएम से मिलने जा रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि बहुत से मुद्दे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में हमसे प्रॉमिस तो किए जाते हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूशन नहीं मिलता, उनमें मुख्य मुद्दा जहां हम खड़े हैं डीसी ऑफिस, ये बहुत छोटी जगह पे है, इसको स्थानांतरण किया जाए, इसको ट्रांसफर किया जाए एक बड़ी जगह पे जहां ये लगे कि जहां पार्किंग की व्यवस्था अलग से हो, जहां लोगों को एक प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था हो, वहां हम चाहते हैं कि ये डीसी ऑफिस वहाँ शिफ्ट हो। दूसरा, पार्किंग की व्यवस्था पूरे कठुआ शहर में कहीं भी नहीं है। और तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ एक स्टेडियम हमको चाहिए, वो स्टेडियम हमारे कठुआ में कोई अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम नहीं है। तीसरी बात यह है कि हमारा मेडिकल कॉलेज अभी तक उसका टेंडर जो है वो दो बार हो चुका है, किन्हीं कारणों से पता नहीं वो अभी तक खुल नहीं रहा है, वो एक कारण है। चौथी बात यह है कि हमारा किडिया कटाल का जो दरिया है उसके रावी रिवर, उसका अवैध खनन वहाँ पे हो रहा है। हम वो चाहते हैं कि वो भी मतलब जल्द से जल्द उस पर लगाम लगे। यही कोई तीन चार मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। भाजपा में लगभग, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आज जिला में आई हुई हैं, तो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी महिला मोर्चा, जो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर जो महिलाओं के लिए इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक अलग बस लगाई है महिलाओं के लिए, मैं इनसे यही अनुरोध करूँगी कि उस बस को यहाँ पर भी शुरू करवाया जाए। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो यहाँ पर इन्होंने वुमेन सेल खोला हुआ है, उसको अथॉरिटी दे कि वो अपने इंडिपेंडेंट होकर काम करें, जो यहाँ पर वुमेन सेल है उसका काम लगा हुआ है। तो मेरा ये इनसे अनुरोध रहेगा कि जो यहाँ पर ये वुमेन सेल है उसको अथॉरिटी दी जाए, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करें। इसी के साथ हमारे यहाँ पर जब किसी की डेथ हो जाती है तो महिलाओं को नहाने के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि उनके लिए जो यहाँ पर स्नान गृह वो नहीं है, वो यहाँ पर हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। मेरे यही मुद्दे रहेंगे।